next video. So percentage composition हमने सीखा और साथ ही हमने सीखा formulas. अब हम जानना चाहते हैं relation between this percentage composition and molecular formula, empirical formula. तो देखिएगा सभी, इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी दो बातें सीख लेते हैं. वो कहानी है मॉलिकुलर मास. अगर कभी हमें निकालना हो तो एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी इंटू टू से निकाला जा सकता है, या अपन ऐसा भी कह सकते हैं वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास अपॉन टू. ये एक नई चीज, छोटी सी नई चीज सीखे, फिर वापस मैं परसेंटेज वाले फॉर्मूला पर आता हूं. जैसे NH3 की हम बात कर रहे हैं तो NH3 का फॉर्मूला मास, मॉलिकुलर मास होता है 17. तो इसकी वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 17/2 यानी कि 8.5. तो किसी भी गैस के लिए आप वेपर डेंसिटी इजीली निकाल सकते हैं. जैसे CO2 एग्जांपल लेते हैं तो मॉलिकुलर मास इसका होता है 44, तो इसकी वेपर डेंसिटी हो जाएगी 22. आई थिंक क्लियर है, मॉलिकुलर मास अपॉन टू से वेपर डेंसिटी. लेकिन क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी गिवन होगी तो आप मॉलिकुलर मास निकालेंगे. और जैसा हम जानते हैं एन इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास. यहां से हम n की हेल्प से मॉलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में रिलेशन निकाल पाएंगे. देखिए मास निकाला है, मास किसका होगा, फॉर्मूला का. तो मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकल सकता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n से ये निकल जाया करेगा. अभी कैसे यूज करूंगा इस कहानी को, ये अपन इस नेक्स्ट पार्ट में देख रहे हैं. देखिएगा क्या कर रहे हैं, मॉलिकुलर फॉर्मूला को अगर हम देख रहे हैं तो मॉलिकुलर मास को अगर हम देख रहे हैं तो इट इज वेपर डेंसिटी अपॉन टू. जबरदस्ती में फालतू बोले जा रहा हूँ, इसकी पार्ट लेंगे. सो एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं. परसेंटेज ऑफ कार्बन, मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है हमें कि परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें दे रखा है 40.92 दे रखा है. ये एक क्वेश्चन जो वेल नोन क्वेश्चन है. एक कंपाउंड होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का जो पार्ट होता है उसमें ये कंपोजिशन होती है. कार्बन 14.92 होता है इसके अंदर, हाइड्रोजन हमारे पास 4.58% होता है, और जो रेस्ट बची हुई है वो होती है ऑक्सीजन. वो कितनी वैल्यू आती है आप कैलकुलेट करते हैं, इट्स कम आउट टू बी 54% ये हमें गिवन होता है. तो परसेंटेज आपको गिवन होगा, उसकी हेल्प से आप फॉर्मूला निकालते होंगे किस तरह से, वो एक बार हम देख लेते हैं. सभी बच्चे ध्यान से देख पा रहे होंगे, परसेंटेज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की गिवन होगी, दिस विल बी गिवन टू यू. अभी इससे आपको पूछा जाएगा कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, इस क्वेश्चन से आपसे पूछा गया होगा. देखिए सभी बच्चे, सबसे पहले एक टेबल फॉर्म बना लीजिएगा इसकी, आप इस टेबल के फॉर्मेट में बना लीजिएगा. और इस टेबल में आपको दे रखे होंगे एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स दे रखे बताइएगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. इन तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज भी दे रखी है हमें, परसेंटेज कितनी कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, 40.92, 4.58 एंड 54.5, ये परसेंटेज गिवन होगी. इसमें आप परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, 40.92/12, 4.58/1, 54.5/16. अगर आप इन वैल्यूज को सॉल्व कर लें, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सिंपल रेशियो, इन वैल्यूज को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू लगभग 3.41 के करीब आएगी, ये वाली 4.58 के करीब आएगी, और ये वैल्यू भी लगभग 3.4 हमारे पास आ रही है. इन वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद अब आपको इनमें से जो सबसे छोटी टर्म है उससे सबको डिवाइड करना है, यानी कि सबसे छोटी टर्म हमें यहां पर नजर आ रही है 3.4, 4.58 अपॉन 3.4 एंड 3.4 अपॉन 3.4. सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 3.41 अपॉन 3.4 इज 1 एंड इट कम्स आउट टू बी 1.33 एंड दिस इज 1. इस तरह से वैल्यूज हमारे पास आई. जब भी ये फ्रैक्शन में अगर कोई वैल्यू आ गई है तो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते कंपाउंड्स, इसलिए हमको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं. अगर कोई भी टर्म में 0.5 आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर कहीं 0.9 या 0.95 दे रखा है तो उसको नियरली 1 ले लेना है, अगर कभी दे रखा हो 2.1 तो इसको नियरली 2 लिख लेना है, और लास्ट में अगर 3.3 आ रहा हो या 6.6 आ रहा हो, ध्यान रखिएगा
तो उन तीनों को 3 से मल्टीप्लाई करना है। रिपीट, अगर यहां पर नंबर 1.5 जैसा कुछ आ रहा होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते सबको ताकि सिंपल रेशो आ जाता। यहां हमने रेशो निकाला था इस जगह पे और अब हम निकालने की कोशिश करेंगे सिंपल रेशो। तो देखिए सिंपल रेशो कैसे निकलेगा, इन सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यूज आ गई। तो इस तरह से हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा C3H4O3। दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला, राइट। अगर इस क्वेश्चन में n गिवन होगा हमें कि 1 दे रखा है, तो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अभी मैं आपसे सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने की बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद कुछ एग्जांपल्स के बाद डिस्कस करेंगे। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्लियर है, सबसे पहले परसेंटेज होगी, एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, जो रेशियो आएगा उनमें से जो सबसे छोटा है उसे सबको डिवाइड करेंगे, और फिर जो वैल्यूज आ जाएंगी उसके लिए ट्रिक सीखनी है। 0.5 जैसे 1.5 एक दे रखा हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, सो दैट वो एक कंप्लीट नंबर आ सके। 0.9 आ रहा है तो उनको अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट नंबर मान लीजिए। 2.05 आ रहा है तो उनको छोड़ दीजिए पॉइंट की वैल्यूज को, और अगर 0.33 या 0.66 एंड में आ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करके उनको कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट कीजिए और गेट दी आंसर। इसी में एक एग्जांपल और देखते हैं। तो ये एक और एग्जांपल परसेंटेज कंपोजिशन का, हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन दे रखे 52.14, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दे रखे 13.13, एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दे रखे 34.73। अगेन वही एक टेबुलर फॉर्म हम बनाएंगे, और इस टेबुलर फॉर्म में फिर से वही 3 कंपोनेंट्स हमारे साथ आएंगे। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इसमें फिर से जो परसेंटेज दे रखी होगी उसको आप यहां लिखेंगे 52.14, 13.13 एंड 34.73। अगेन परसेंटेज को हम एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, और 52.14 अपॉन 12, 13.3 अपॉन 1, 34.73 अपॉन 16। अगर ये वैल्यूज को हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 4.35, ये वैल्यू आ जाती है 13.13, एंड ये वाली वैल्यू आ जाती है 2.17। इस तरह से ये हमने रेशो निकाल दिया, लेकिन ये रेशो कंप्लीट रेशो नहीं है, इसलिए सबसे छोटी टर्म से सबको डिवाइड कर देते हैं। 4.35 अपॉन 2.17, 13.13 अपॉन 2.17 एंड 2.17 अपॉन 2.17। ये वाली वैल्यू अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आ रही है हमारे पास 2, और ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 6, और ये वैल्यू आ रही है 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, इंपेरिकल फॉर्मूला, इट्स कम आउट टू बी C2H6O, विच इज फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल, इथेनॉल। ये हमने सेकेंड एग्जाम्पल देखा। सो थर्ड एग्जाम्पल इज Fe 63.5% एंड सल्फर इज 36.5%। ये थर्ड एग्जाम्पल है, टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। इसमें भी फिर से हम टेबुलर फॉर्म में हम फिर से ध्यान रखेंगे कि आयरन और सल्फर दो ही हमें दे रखे हैं, वन इज आयरन अदर इज सल्फर, उनकी परसेंटेज 63.5 और 36.5। याद कीजिए नेक्स्ट स्टेप, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में गिवन होते हैं, तो सबके एटॉमिक मास कोई जरूरी नहीं है कि आपको याद हो। 63.5 अपॉन 56 को हम सॉल्व करते हैं तो 1.134 आती है वैल्यू, और ये भी लगभग 1.14 आती है। दोनों में से जो छोटी टर्म है डिवाइड कीजिए, 1.134 अपॉन 1.134 एंड 1.14 अपॉन 1.134, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यूज 1 आती है। इस तरह से जो हमारे पास कंपाउंड बन गया वो बन गया FeS, आयरन सल्फाइड। तो फॉर्मूलाज हमें दे रहा, परसेंटेज दे रखी हो तो फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला दे रखा हो तो परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब एक छोटी सी बात रह जाती है, पूरी जाती है कि अगर इंपेरिकल मास दे रखा हो, इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा हो, तो उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा, इन एग्जाम्पल से देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, अगर हमें किसी कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है CH2O, और आपको इसकी वेपर डेंसिटी दे रखी है 30,
तो आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखिएगा, बहुत ही इजी सा टाइप का क्वेश्चन है। जब इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है तो आप इंपेरिकल मास भी निकाल सकते हैं। इंपेरिकल मास निकालने का सिंपल तरीका है कार्बन 12, 2 प्लस 16, या आगे आपके पास 30। और जब वेपर डेंसिटी दे रखी है तो आप मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। क्या होता था? वेपर डेंसिटी इंटू 2, यानी कि 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60। और अब n निकाल लेते हैं। व्हाट इज n? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, यानी कि 60 अपॉन 30 इज इक्वल टू 2। तो अब हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू 2, यानी कि आ गया CH2O इनटू 2, यानी कि आ गया C2H4O2। ये था एग्जांपल 1, जब हमें क्या दे रखा था, एम्पिरिकल फॉर्मूला और वेपर डेंसिटी दे रखी। तो हम एम्पिरिकल मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास, वेपर डेंसिटीज निकालेंगे और n की वैल्यू निकालकर एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला कहां से आएगा? जो अभी हम पहले एग्जांपल से डिस्कस कर रहे थे। एग्जांपल इसमें लेते हैं, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड C3H4O3, जो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा? मॉलिक्यूलर मास गिवन 88। सबसे पहले वही तरीका, आप एम्पिरिकल मास निकालेंगे। एम्पिरिकल मास 12 इंटू 3 प्लस 4 प्लस 16 इंटू 3, दैट मीन्स ये हमारे पास वैल्यू हो गई 40 प्लस 48। और मॉलिक्यूलर मास भी कितना दे रखा है? 88। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइएगा? यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास इज इक्वल टू 88 अपॉन 88, दैट मीन्स 1। इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप निकालने जा रहे हैं वो एम्पिरिकल फॉर्मूला को 1 से मल्टीप्लाई करके निकलेगा, यानी कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है। हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है CH2, और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है 56। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 56, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2। तो पहले आप एम्पिरिकल मास निकालेंगे, 14 आ गया, और फिर निकालेंगे तुरंत n की वैल्यू। 56 अपॉन 14 कम्स आउट टू बी 4। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू 4। तो फॉर्मूला आ गया C4H8। आई थिंक समझ में आया होगा। परसेंटेज कंपोजिशन से फॉर्मूला में एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकलता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमें यही एग्जांपल्स यूज करने पड़ते हैं। वीडियो के एंड में कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, इनको जरूर कीजिएगा। So, इस तरह से ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में हमने बहुत सारी नई चीजें सीखी और बहुत सारी केमिस्ट्री की नई चीजें। हम बेसिक केमिस्ट्री सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से।